मुंबई में मेट्रो बनाने के लिए आर्य जंगल में मौजूद पेड़ों की कटाई को लेकर बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बट गया है। जहां कुछ बॉलीवुड स्टार्स सरकार के इस फैसले के सपोर्ट में हैं, तो कुछ इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। जहां हाल ही में स्वरा भास्कर, दिया मिर्जा और विषाद ददलानी जैसे स्टार्स ने आर्य जंगल में मौजूद पेड़ों की कटाई को लेकर नाराजगी जाहिर की है, वहीं अब बॉलीवुड एक्टर और क्रिटिक कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है जो कि सुर्खियों में छाया हुआ है। हमेशा ही अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले केआरके ने सरकार के इस फैसले का सपोर्ट किया। दरअसल हाल ही में केआरके ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, आर्य जंगल को लेकर मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं होना चाहता क्योंकि हमारी सरकार कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। सरकार को उसके बारे में लोगों से बेहतर पता है, तो हम लोगों को सरकार के इस फैसले का सपोर्ट करना चाहिए। तो देखा आपने, केआरके ने सरकार का खुलकर सपोर्ट किया है। बता दें कि केआरके के ट्वीट पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि केआरके से पहले कई बॉलीवुड स्टार्स भी देश में विकास के लिए सरकार के इस फैसले का सपोर्ट कर रहे हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार स्टार्स के नाम शामिल हैं। हालांकि श्रद्धा कपूर इस फैसले का शुरू से ही विरोध कर रही हैं। वैसे आप केआरके की बातों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। थोड़ा पीछे
थोड़ा साइड हट जाओ, टॉप इन टाउन छाता देना, छाता आ जाओ आ जाओ। अरे बाकी को हटाओ यार पीछे से, उनके साथ तो बच जाए। तुम हट जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आना भाई साहब। एक बैनर दे दो, बैनर ने अपना वो एक्चुअली वहाँ पे गई थी क्योंकि सब मुंबईकर्स को डेफिनेटली पता है कि क्या डिसीजन लिया गया है उन पेड़ों के लिए कि 2700 या 3 या 3000 पेड़ों को काटने का डिसीजन ले चुके हैं और आई थिंक कि 12 सितंबर को वो काटने वाले हैं एंड आई थिंक उसके पहले हम सबको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आई वुड से कि एवरीवन शुड सपोर्ट दिस एंड ऐसा भी ऐसा है नहीं कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम कम हो गई है एंड उस और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट करने तो वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ काटना कितना सही लगता है। बट बाढ़ भी तो होगी ना, डेवलपमेंट कैसे होगा। तो वही कह रही हूँ कि मैंने आज यहाँ मैंने वो भी मैंने ये बात भी सुनी है आज कि एक ऑल्टरनेटिव भी है मेट्रो के लिए तो वो उन्हें यूज़ करना चाहिए वो सोल्यूशन। बिल्कुल, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग अगर हम अपनी कंट्री में देखें फॉर एग्जांपल असम में वहाँ पे फ्लड्स इसलिए इतने आते हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो गया है एंड आई थिंक द बिगेस्ट रीज़न जिसके से हमसे हमारा बारिश होता है बॉम्बे में और जितना पानी भर जाता है पेड़ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से बाढ़ नहीं आती है। सो आई थिंक इफ यू गोना एरेडिकेट सो मेनी ट्रीज सबसे पहली प्रॉब्लम जो आएगी वो तो पानी भर जाएगा। डेवलपमेंट तो बहुत बात की बात है तो आई थिंक वी नीड टू वर्क विद नेचर रादर देन वर्किंग अगेंस्ट इट। कुछ यही कहना चाहूँगा कि ऑब्वियसली बिल्कुल हमको सेव करना चाहिए एंड हम श्रद्धा से इनफैक्ट यही बात कर रहे थे। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव दैट श्रद्धा इज टेकिंग एंड वी आल्सो ऑल वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड काइंड ऑफ गो देयर। एंड वो नहीं काटने चाहिए, मतलब बहुत साल लगते हैं यार एक पेड़ को, पूरा 3000 पेड़ों को जो अभी है आर्य कॉलोनी कितने साल लगे तो उसको ऐसे नहीं काटना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। और कितने जानवर है, पूरी लाइफ है अंदर, तो इट्स रॉन्ग की पूरी लाइफ ही आप ख़त्म कैसे कर सकते। यार सिंपल है, जिसलिए हम जिंदा हैं, हम जब सांस लेते हैं जो 50% सांस लेने का जो प्रोसेस है वो पेड़ से होता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर 50% ऑफ द रीज़न वाई योर अलाइव बाहर है तो आप उसको काट दोगे? नहीं। तो ये दैट साइंटिफिकली बायोलॉजिकली गलत है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे जब जो ऑक्सीजन हम जो सांस ले रहे हैं वो हमें पेड़ों से मिल रहा है तो हम क्यों काट रहे हैं उसको? जो आरे कॉलोनी है इट्स कॉल्ड द लंग्स ऑफ बॉम्बे एंड इफ़ वी आर सफोकेटिंग आर ओन पीपल इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट तो आप किसके लिए डेवलपमेंट कर रहे हो? अगर कुछ सालों में अगर इंसान को सांस लेने में दिक्कत होगी तो क्या फ़ायदा इस डेवलपमेंट का? एंड आई थिंक इट्स डेफिनेटली एन ऑब्सीन मूव एंड एवरीवन शुड रिवोल्ट अगेंस्ट इट।
आई थिंक सर पेड़ तो बिल्कुल ही नहीं काटना चाहिए और लगाने चाहिए, हम जितना हो सके रेगुलर लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जितने भी वर्ष रहता है, जितने भी वर्ष उसकी आयु रहती है, वो सिर्फ देता है हमको, सिर्फ देता है ऑक्सीजन से लेके बाढ़ से बचाना, फल देना, वो क्या क्या नहीं देता, छांव देना गाँव में, उधर रेगिस्तानों में तो पेड़ नहीं, पेड़ ही तो हैं जो बचाते हैं आदमी को, तो आई थिंक पेड़ काटने का तो सवाल ही नहीं होता। हम कितना लगा सकते हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हमें लगाना चाहिए, हमें रेगुलर पेड़ लगाना चाहिए। थैंक यू। पर आप ये दिखाना, आप भी लगाना सर, प्लीज आप दिखाना अपने चैनल में, हम फिल्म का भी और ये भी दिखा देना प्लीज। थैंक यू।